नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मार्शल आर्ट एंड फिटनेस में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सेल्फ डिफेंस पे। सेल्फ डिफेंस, जब कोई आगे आपको पीछे से पकड़ ले तब आपने क्या करना है, खुद को कैसे बचाना है। देखिए दोस्तों, कंडीशन ये है कि नॉर्मल कंडीशन है कि जब आप किसी लड़ रहे होते तो आपको पीछे से पकड़ लेता, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर है कोई आपका दुश्मन है, पीछे से आपको पकड़ के यहाँ पर ये हिलाने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है, मतलब आप पे कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, ठीक है। या आप दो बंदों से लड़ रहे हो, एक ने आपको पकड़ा हुआ है और सामने दूसरा आके आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो वही बताऊंगा कि आपको ऐसी कंडीशन में जब पीछे से किसी ने पकड़ा है तो पीछे वाले से खुद को कैसे छुड़ाना है, ठीक है। अपने दुश्मन से खुद को कैसे छुड़ाना है, तो आज की वीडियो उस सेल्फ डिफेंस पे होगी। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं इसको। तो जी पहला डिफेंस बताने जा रहा हूँ, उसमें देखिए, मान लीजिए आपके दुश्मन ने आपको पीछे से पकड़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सीधे हैं तो सबसे पहले आपने डाउन होना है, ये चीज डाउन होना है। तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट होगी। आपने कोई भी हाथ राइट या लेफ्ट यहाँ पे हाथ निकालना है, दूसरे हाथ को मैच करना है और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ करना है, ठीक है। अब इसमें क्या गलती कर कभी कभी करते हैं हम, फिर से पकड़ना, यहाँ पे किया और हाथों यहाँ से निकाल लिया, इसको ऊपर को लेने की कोशिश करते हैं। आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस चीज में, ठीक है। ऊपर को नहीं लेना है इससे, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो भी कम लगेगा। इसको नीचे को लेना, जब नीचे को यहाँ पे करेंगे तो ये छूट जाएगा। टाइट पकड़ना पूरा जोर से, ठीक है। फिर से पकड़ लो टाइट अच्छे से। अब देखिए पूरा पावर टाइट से पकड़ा और टाइट पकड़ लो, यस हाँ। तो तभी जब यहाँ पे डाउन होंगे, स्पेस क्रिएट हुई, यहाँ पे आपने लेके जाना है और इसको, अब देखिए जहाँ जो लगाना पड़ रहा है ये चीज नीचे को आप करोगे, ये देखो अभी यहाँ पे हाथ निकल रहा है तो ये छूट जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइट भी पकड़ा हो बंदे ने तो छूट जाएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ट्रिक, एक बार फिर से देख लीजिए टेक्निक, एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा इस एंगल से देख लीजिए। फिर यहाँ पे हाथ है, ठीक है, सबसे पहले स्पेस क्रिएट करनी है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करनी है, दूसरा हाथ यहाँ से लेके जाना है और इसको नीचे की तरफ निकाल देना हाथों को, ठीक है। तो ये फर्स्ट इजी ट्रिक है जो आप इसको कर सकते हो। इसको सेल्फ डिफेंस जरूर परफॉर्म करना, अपने पहले दोस्त इसको प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा नहीं है कि आप देख के और तभी सीख जाओगे, इसको प्रैक्टिस कर लेना तो ये अच्छा है दुश्मन से बचने का तरीका। तो देखिए दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पर पकड़ा हुआ है, पीछे से पकड़ा हुआ है, अब यहाँ पर भी टाइट है। मान लीजिए आपकी जो ये वाली ट्रिक है वो परफॉर्म नहीं हो रही है, यहाँ से आप अपना हाथ नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करना है आपने, देखिए दोस्तों मेरे पैरों को ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरा राइट पैर है, आपने यहाँ से पैर को ट्विस्ट करना और इधर साइड में ले जाना, ठीक है, उसका जो पैर है उसके बाहर ले जाना है और बस उसके बाद आपने सीधा ये घूमना है, ये चीज बस घूमना है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो गिर जाएगा, अगर वो आपको नहीं छोड़ेगा तो गिर जाएगा, लेकिन बॉडी क्या रिएक्ट करेगी कि हाँ जल्दी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि वो खुद को गिरने से बचाएगा इसलिए वो छोड़ देगा, ठीक है। और अगर नहीं छोड़ता है तो गिर जाएगा। दो कंडीशन हो सकती है इसमें, इस बार फिर से टाइट से पकड़ना, जोर से पकड़ना, पूरा हाथ को अंदर तक ले जाओ, हाँ मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हो, आपने बिल्कुल टाइट से पकड़ा हुआ है, तो क्या करना है, अपना पैर है उसके पीछे ले जाना है और यहाँ पर घूम जाना, बस घूम जाना, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इस बार टाइट से पकड़ना, पूरा अपना दम लगा के देखना कि आप गिरो ना, ठीक है, ये कोशिश करनी है गिरो ना। चलो पकड़ लो यहाँ पे है, तो देखिए इसमें कोई आपको ये बहुत इजी है, यहाँ पे ये चीज़ तो इजी है कि आप अपना पैर लेके जा सकते हो, उसमें जैसे ही पकड़ा हो दोनों पैर सीधे करके पकड़ो, जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे पकड़ना, यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना पैर आप मूव कर सकते हो, उसने ऊपर से पकड़ा नीचे से नहीं पकड़ा, तो ये तो एक बार आप कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद पूरा यहाँ से घूम जाना है, ये ठीक है, तो इसको परफॉर्म कीजिए, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, ये आप इससे मतलब काफ़ी अच्छा सेल्फ डिफेंस है उससे आप अपने दुश्मन से बचने के लिए। तो नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस बता रहा हूँ, उसमें देखिए आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों ये जो सेल्फ डिफेंस बताने जा रहा हूँ ये तब काम आएगा जब आप जो पर्सन है वो आपके इक्वल है, आपके इक्वल हाइट का या आपसे छोटा है, ठीक है, तब काम आएगा। देखो यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ साइड से पकड़ा हुआ है तो आपने जैसे इतना झुके थे आपने थोड़ा सा और झुकना है, उससे क्या है जो आपका जैसे दुश्मन है उसके पैर उठ जाएंगे और आपने यहाँ से उसके पैरों को पकड़ लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ से गिरा देना, ये चीज़, ठीक है, उसको गिरा देना यहाँ से, तो आप उसके पैर निकाल सकते हो। लेकिन अगर वही ज़्यादा लंबा पर्सन है, जैसे ये ज़्यादा लंबा है तो वहाँ भी ये ट्रिक परफॉर्म नहीं हो सकती। देखिए एक बार फिर से करके देखिए, फिर से आओ, तो एक बार मैं आपको ये वाला व्यू देता हूँ कि अपने पैरों को, बट यहाँ पे आएगा नहीं, इस एंगल से देखिए सामने, फिर मैं आ जाऊँगा फिर आपको एंगल शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़े पैरों को वाइड खोल लेना, थोड़े पैर खोल लिए आपने,
यहाँ पे झुकना है, और जैसे ही आपका थोड़ा सा एनवी के पैर उठेंगे, यहाँ से नीचे से पकड़ लेना उसको, और ये चीज उसको गिरा देना, ठीक है। पकड़ के पूरा आगे तक खींच लीजिए, वो गिर जाए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि लंबे बंदे के साथ परफॉर्म नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि उसके पैर है वो नीचे जमीन पर लगे रहेंगे, वो थोड़ा सा हवा में ऊपर नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पर अगर इसने मुझे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो उठ नहीं ना, उसके पैर ही नहीं ऊपर उठ रहे, मैं कितना नीचे जा सकता हूँ ना, तो यहाँ पे ये इसके लिए दिक्कत है। मैं यहाँ पे पैर खींच रहा हूँ, उसने पैर टाइट कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत है, तो मैं उसको नहीं कर सकता। तो ये लास्ट वाली जो सेल्फ डिफेंस है वो तभी परफॉर्म हो सकता है जब आपका जो दुश्मन है या तो आपके इक्वल हो या आपसे छोटा। तो एक बार मैं थोड़ा स्पीड से दिखा देता हूँ कि अगर अचानक से मतलब आ गया और दुश्मन ने आपको पकड़ लिया, और तब इसको स्पीड से कैसे परफॉर्म करना है। देखिए मान लिया आप यहाँ पे खड़े हैं या लड़ाई हो रही है, दुश्मन ने आपको पीछे से आके पकड़ लिया, ठीक है, स्पेस क्रिएट की, सामने निकाल लिया हाथ, एक बार फिर से देखिए ये चीज़ है। अगर दुश्मन आएगा जरूरी नहीं कि वो पकड़ के खड़ा रहेगा, मतलब हिलाएगा आपको, डुलाएगा, नीचे फेंकने की कोशिश करेगा, तो जब आप डाउन हो जाएंगे ना, तो पहली बात आपकी स्टेबिलिटी बन जाएगी, आपकी बॉडी की स्टेबल बन जाएगी, आप थोड़ा गिराना आपको मुश्किल हो जाएगा। एक बार सेम चीज़ फिर से देखिए, यहाँ पे अगर पकड़ लिया किसी ने, थोड़ा मूव भी करना, हिलाना है, गिराने की कोशिश जैसे करते हैं वैसे भी करना है, ठीक है, फिर से करो, अचानक से आ जाना, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो एल्बो किक, ले सकते हो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो अब देखिए सेकंड चीज जो अब जो सेकंड जो साइड सेल्फ डिफेंस बताया था उसमें देखिए, दुश्मन यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसने आपको यहाँ पे हिलाने की कोशिश किया, स्पीड से दिखाता हूँ, अब मैं बोलूँगा नहीं, स्पीड से देखिएगा बस इसको, ठीक है, यहाँ पर स्पीड से जाना है, पैर निकालना है, उसको गिराना है। जो थर्ड वाली मैंने बताई है, मैंने आपको बताया कि लंबे बंदे के साथ नहीं परफॉर्म हो सकती, तो जितने आना उसमें भी जब आप डाउन हो जाओगे, आपका थोड़ा जो स्टेबल हो जाओगे, थोड़ा बैलेंस बन जाएगा, जैसे यहाँ पर खड़े हो, पीछे से आ गया, वो भी आपको डाउन एंड उठाना है इसको, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें परफॉर्म होती है स्पीड से। एक बार फिर से दिखाना, वैसे मूव करने की कोशिश करना, जैसे हम मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो वैसे मूव करने की कोशिश करना, यहाँ पे खड़े हो, चाहे एक पैर उठा लिया तब भी आपका स्पीड से एक पैर आया तो भी आपका कंट्रोल बन जाएगा आपके दुश्मन पे। तो ये मैंने आपको स्पीड से दिखाया, ये रियल लाइफ में ऐसे हो सकता है, होता भी है, कोई आएगा आपको पकड़ के ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई इतना टाइम है, तो स्पीड से आना है, स्पीड से अपनी ट्रिक को, अपने सेल्फ डिफेंस है उसको परफॉर्म करना है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत इजी सेल्फ डिफेंस है, ये तीनों मैंने बताए काफ़ी इजी सेल्फ डिफेंस है। आपका जो भी आपका पार्टनर है जिसके साथ आप प्रैक्टिस करते हो, आपका दोस्त है, क्लासमेट है, जिसके साथ भी आप प्रैक्टिस करते हो, उसके साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए इसको। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा ये कितना इजी सेल्फ डिफेंस है, और आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हो और अपने दुश्मन से बच सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपकी जो वीडियो है उसमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ताकि मैं अपने जो कंटेंट है उसको और इम्प्रूव करूँ और आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ताकि दूसरे लोग भी सीखें, आपके दोस्त हैं वो भी सीखें इजी सेल्फ डिफेंसेस को, ठीक है, तो उसके लिए शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें पता चले कि हाँ ये हम इजीली इसको इजीली खुद को अपने दुश्मन से छुड़ा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही।